तो ट्यूशन में जाके फर्रे चलेंगे। अरे ट्यूशन में, स्कूल में चलते हैं यार। हाँ तो ट्यूशन में भी चलेंगे। अरे ओ नास पिट्टो, कहाँ चल दिए सुबह सुबह? अरे पापा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अच्छा ये बताओ कहाँ चल दिए सुबह सुबह ऐसे ऐसे? वो अंकल जी हमें छोड़ो, आप बताओ सुबह सुबह आप कहाँ चल दिए? हाँ आप कहाँ से आ रहे हो चूल्हा लेके? अरे बेटा क्या बताऊँ तेरे को, इसकी माँ है ना कम्बो, उसने सही करने के लिए रहते हैं चूल्हा। यार सुबह सुबह चूल्हा सही करने वाले की दुकान ही बंद मिली, अब मैं पता क्या करूँ, रोटी कैसे बनेगी? अब वैसे तो बाहर से मंगा के खिला दूंगा इन सबको। ये बढ़िया, चल चल चलते हैं। चलो अच्छा एक बात बताओ, मैं क्या पूछ रहा हूँ तुम्हें समझ नहीं आ रही? नहीं। कहाँ चल रही है सुबह सुबह ऐसे ऐसे करके? अरे पापा मैं ऐसे ऐसे करके ट्यूशन जा रहे हैं। ट्यूशन जा रहे हो? अबे निकम्मो ट्यूशन में जाके तुम्हारा कभी भला हुआ है? अंकल जी आपका भला हुआ इसे पैदा करके। कह तो तू सही रहा, ये मेरी गलती है। अरे पापा ऐसी कोई बात नहीं है, ट्यूशन वाला हमारा बढ़िया बंदा, अच्छा पढ़ाता है, बढ़िया है, बता रहा है अच्छा बंदा नहीं हो? हाँ 2+2=4 पढ़ाता है मैं वो। हाँ कद्दू आता है तुम्हें सब कुछ, तो का पढ़ा सुना मुझे, तुम्हें आता है ना तो का पढ़ा, अभी सुनाओ। अभी सुनाते हैं। 2 × 2 = 2 × 4 = 8 8? अबे 2 × 3 तो 6 होते हैं, 6। अरे 6 तो ये है ना। बड़े हराम खोर हो रहे हो तीनों के तीनों। अरे अंकल जी जाओ अपना चूल्हा वाला ठीक करो, हम जानते हैं। हाँ पापा हम जा रहे हैं, लेट हो रहे, ठीक है बाय बाय। चलो ठीक है, हो क्या हो ट्यूशन? अरे पापा पापा सुनो सुनो सुनो। अरे वो ट्यूशन वाला फीस की कह रहा था, अगर वो फीस मिल जाती तो। अरे बेटा 4 महीने बाद दे दूंगा ना, अरे थोड़ा एडजस्ट कर लो यार, अपने ट्यूशन टीचर से को एडजस्ट कर ले। अरे अगले 4 महीने बाद दोगे तो दुगनी देनी पड़ेगी ना, सोचो फिर चूल्हा कहाँ से ठीक होगा। बेटा कह तो तू सही रहा है, तो फिर एक काम करो इसको 4 महीने बाद भेजना, इतने बिठा के रखो दुनिया वाले बोलेंगे गवार का लड़का गवार है। ओ तमीज से बोलना। अरे पापा दे देना फीस यार, क्या हो गया फीस तो यार। रुको यार वैसे कितने देने बेटा फीस? फीस है पापा मेरी 1000। 1000 कैसे पे, 500 है ना तेरी। अरे मेरे को बात करने दो ना, तुम चुप रहो यार। 1000 रुपए तो बहुत ज्यादा है यार। अरे पापा दे देना फीस। 1000 रुपए लाग पड़ भी रहे हो तुम, 1000 रुपए तो बेटा वैसे बहुत होते हैं। हाँ तो ठीक है मत पढ़ाओ अपने बेटे को, रहने दो गवार, अपना चाय का ठेला खोल के बैठ जाएगा, चाय बेटे चाय ले लो चाय ले लो चाय ले लो। मोची की बात हुई थी ना तो मोची की भी खोल लेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि चल ठीक है फीस तो मैं दे देता हूँ। दो ना, टाइम की वेस्ट करो, मैं लेट हो रहा यार। जल्दी दो अंकल। अरे अंकल ये तो उठा लो। अरे उठा लूंगा बेटा, तू क्यों परेशान हो रहा है? अरे अपनी इज्जत उठा लो जो नीचे गिरी हुई है। पापा है मेरे, तमीज से बात कर लो। अच्छा चलो ठीक है दे रहा हूँ दे रहा हूँ, गुस्सा क्यों कर रहे हो बेटा? आज ही गल्ला हमारा था। क्या बोला आपने? मतलब आज ही सैलरी मिली है बेटा, ये पकड़ पूरे 1000 रुपए, अब अच्छे से पढ़ना ठीक है। अरे पापा वो अगर खर्ची मिल जाती है कुछ खाने के लिए। खर्ची? ये 1000 रुपए कम नहीं है क्या? खर्ची खर्ची खर्ची, अरे जा रहे नहीं जा रहा ऐसे, ये 1000 रुपए दे दिए कम है क्यों? इज्जत उठा लो। तूने 500 एक्स्ट्रा लिया है ना? हाँ तो दे। अरे ये देखो यार ये 500 होगी ट्यूशन की फीस। हाँ और ये 500 हमारी भी। तो क्या बोलते हो चले आज ट्यूशन बंक करके कुछ खाने? हाँ चिली पोटैटो मोमोस। मोमोस नहीं ना, चिली पोटैटो आज खाएंगे, गोलगप्पे। हाँ गोलगप्पे भाई, सर्दियों में गोलगप्पे खाने का अलग ही मजा है। चले चल चल चल। भैया एक काम करो 50 रुपए के गोलगप्पे लगा दो फटाफट, वो भी मलाई लस्सी मार के। पीछे आ जाना लाइन में, लगो पीछे। अबे चल पीछे। हाँ भाई बारी बारी नंबर आएगा हर किसी का। अबे चलना मेरा पता दो भैया। अरे दोनों भैया दिल्ली दो यार। दिखाएगा क्या? क्या कह रहा है? तेरे को पैसे मिले तो तू अकड़ दिखाएगा, खा ले शांति से। ओए आज तो ट्यूशन पे टेस्ट है ना, मैं तो कुछ नहीं पढ़ के आई, पता नहीं क्या होगा सर, तो तेरे को पता है कितना मारते है। यार मैं भी पढ़ के नहीं आया, एक काम करूँ ना, थोड़ा तो पढ़ के आई होगी। और एक मिनट रुक। क्या हुआ? वो देख। अरे वो डीक्रो चिद्दी और राहुल है ना? हाँ यही तीनों है। ये तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बंक मार रहे हैं। हाँ आज टेस्ट है ना इसलिए बंक मार रहे होंगे। तो क्या करे? एक काम करते हैं ट्यूशन पे जाके सर को बता देते हैं कि ये तीनों बंक पर है क्योंकि आज टेस्ट है ट्यूशन पे, और सर इनको मारेंगे। चला चला आटे के दो फिर से। अरे अब क्यों मारूंगा, तूने खा लिया ना, चल। बच्चो मेरे टेस्ट में कोई भी फेल हो गया ना तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, और हाँ तुम्हारी फीस डबल कर दूंगा, आई बात समझ में? अरे कहाँ रह गए तुम, फटाफट जाके टेस्ट दो चलो। अरे सर टेस्ट तो हम दे देंगे, पहले हमारी बात सुनो।
वो चिद्दी डीकर और राहुल है ना, वो सर आपके ट्यूशन क्लासेस का जो आज टेस्ट है ना वो बंद कर रहे हैं। और बाहर तीखे तीखे गोलगप्पे खा रहे हैं, वो भी दही के साथ। अच्छा तीखे गोलगप्पे तूने नहीं खाए? नहीं सर, मैं तो टेस्ट देने आ गई ना। हाँ हाँ सर, हम तो टेस्ट दे रहे हैं, आप जाके उनको मार कर आओ। हाँ तो अभी बताता हूँ। भाई गोलगप्पे खाने का तो असली मजा खट्टे में ही है, तीखे में है। अरे भाई साहब, पहले तो आप मीठे वाला लगाओ और वो भी आटे वाला। नहीं नहीं, अरे क्या हुआ तुम दोनों, इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो? पता नहीं ये बात कुछ जाने पहचाने से लग रही है यार। सुनी सुनी सी लग रही है। अबे रेडी वाले की है, मेरा मतलब गोलगप्पे वाले की है। ओ हाँ, गोलगप्पा ले जा। हाँ मेरा ट्यूशन बंक करोगे? हाँ तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा, चुपचाप ट्यूशन पहुंच जाओ। चुपचाप ट्यूशन पर चले जाओ ना, तेरे हड्डा तोड़ दूंगा साले। अरे भाई साहब जगड़ो पे खवा दे ले उसने। हेलो अरे यार ट्यूशन वाला कब आएगा? अबे यार छोड़ ना, नहीं आया तो अच्छी बात है, छुट्टी हो जाएगी आज। छुट्टी हो जाएगी, एग्जाम आने वाले अगले हफ्ते से। क्या कुछ पढ़ा है? नहीं पढ़ा। अबे फेल हो जाएंगे, और तुझे तो पढ़ना ही नहीं होता, आ गया मुंह उठा के चिमकांडे सा। हाँ और कॉपी कॉपी क्या तेरी? बैग ही नहीं लाया तो कॉपी का क्या काम? ये बैग क्यों लाया, कॉपी क्यों लाया? ये यहाँ पे तो टेंशन मारने आ रहा है, देख रहा है इधर, हाथ दिख रहा है इसका, स्टाइल मारना है मेरे को पता है, स्कूल लड़के बांध के जाते हैं चिमकाने के लिए। हाँ हाँ, तो तेरे क्या दर्द हो रहा है भाई? मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश हूँ। सब 16 साल का था खलनायक, देख ले जिस असले न रखे लको का दुनिया उस असले का यार। अरे बदमाश है ना इसलिए। बदमाश छोड़ा, बदमाश छोड़ा, तेरी छाती में गड्ढा सुधी फौस छोड़ा। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते सर। नमस्ते पाव लागू। हेलो। अरे जब हम तोरा के बोल देनी कि हफ्ता चाही तो चाही, भेज जल्दी दो गुला। अरे सर, अरे सर कुछ तो पढ़ा दो, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, एग्जाम आने वाले हैं हमारे। हाँ अगले हफ्ते से पेपर है हमारे। सर जी सारा सिलेबस रह रहा है, सर जी करवा दो ना, हम फेल हो गए तो हमारे घर वाले बहुत मारेंगे हमको। अब बुलाई तोरा के माइक है, हैं? अरे सर हिंदी में बोलो ना, क्या कह रहे हो? तेरी अम्मा को बुलाऊं? हाँ बुला लो सर इसकी मम्मी को। अपनी मम्मी को बुलवा ले, ज्यादा मत बोल मोर मुतरे। ए तोरा का नहीं मालूम हमारा नाम की? हमारा नाम है मोनू पिचकोली, ज्यादा बोला तो मार दे माथे में गोली, समझे? अरे सर सही तो कह रहा है, कुछ तो करवाते नहीं हो आप, हमेशा गंदी खा दोगे। चुप मतरा। अरे सर मैं कह रहा हूँ सिलेबस तो कब का कंप्लीट हो चुका है, अरे बोलो ना बोलो। सर हो गया। हाँ सर कह रहे थे टेस्ट ले लो। हाँ टेस्ट क्यों ले लो, टेस्ट टेस्ट में तो हम अव्वल आएंगे अव्वल। अरे जो मेरे चाचा जी है ना वो यहाँ के विधायक है, 2 दिन पहले तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, आराम से लिख के आना, पास हो जाओगे, अब समझे बुढ़ बाग? हाँ तो चुपचाप जो तुम्हें पढ़ाया गया है स्कूल में उसे रिवाइज करो, क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, टेंशन मत लो, चलो पढ़ो। अरे शीला। यस सर। तुम्हारी जवानी खत्म नहीं हुई? यार ट्यूशन वाला कुछ करना पड़ेगा, दिमाग खराब करती है इसने, बात बात पे गन 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 गन। मम्मी अच्छा कब आई? ए किसे बात कर रहे हो? सर जी वो क्या है ना कि मम्मी का फोन आया था घर से। मम्मी कर लो बात कर लो। ठीक है सर जी कर लेता हूँ बात। अरे डीकरो यार विशाल को देखे परेशान सा लग रहा है। हैं विशाल, अरे क्या हुआ भाई, परेशान क्यों है तू?
अब यार क्या बताऊं, मेरी बुआ की लड़की आई है घर पे और वो बहुत बदमाशी करती है, अपने इलाके में हल्ला तार रखा हल्ला। मतलब बदमाश छोरी? ओ ये वही वाली ना, बदमाश छोरी वो वाला वाला। तो समझा क्या? बदमाश छोरी। क्या बदमाश छोरी? और बदमाश टीचर। ओ मतलब इन दोनों का कलेश करवा दे क्या? कलेशी छोरी वाला। सही कह रहा है, इस बदमाश की ना सारी हेकड़ी निकाल देगी वो। ओए विशाल तू एक काम करिए, अपनी बुआ को ना बुला के ले आइए। सही कह रहा है, मैं आज ही घर जाके अपनी बुआ की लड़की को बुला के लेके आता हूँ। हाँ इसकी सारी बदमाशी निकल जाएगी एक बारी में। जो हमें डराता रहता है ना हर बात पे, पढ़ाता नहीं डराता है यार। क्योंकि लोहे को लोहा ही काटता है। ए कौन बन रहा है बदमाश? सर आप, आप, आप। अरे सर आपसे बड़ा बदमाश कोई है ही नहीं सर, आप हो यार। शाबाश। ए बेटा ये मत सोचना कि अभी हम बदमाश बने हैं, हम पैदा इसी बदमाश है। ये मत सोचना कि पहले शरीफ फिर बदमाश फिर शरीफ फिर बदमाश। हमारे परदादा बदमाश, हमारे पापा बदमाश, और हम भी बदमाश, और हमारे आने वाला बेटा भी बदमाश ही होगा, समझे? ज्यादा बोले न डाक देंगे। सर आपका खानदान ही बदमाशों से है। आपकी पुश्ते भी वो क्या कहते हैं उन्हें, बदमाशी से है। बदमाशी से। आपका फ्यूचर भी वो क्या कहते हैं उसे, बदमाशी है। मेरे को तो लगता है सर की कास्ट भी बदमाशी है। टाइम क्या हुआ है? टाइम जो कल हुआ था 6 बज गए। हाँ मतलब 6 बजे चलते हैं ना सर। सर सर अरे सर टाइम पूरा हो गया, हम जाए सर। हाँ चलो निकलो। और हाँ होमवर्क करके आना ना तो। और पीस। अरे ले आएंगे सर जी, गुस्सा क्यों होते हो मिनट मिनट पे। अरे ओ पढ़ाई में ध्यान कर लो, और तू फीस दे दे मेरी। ये लो सर। हाँ चोरी तो आनी देर हो रही है। कुत्ती कटक देख होगी तना भड़क, मगा मान जाना ना से करवा बाकी के गाड़ी के टरक के नीचे का दादा बाबा जी के। ये वो बदमाश टीचर, इसने हमें इतना तंग कर रहा है, इतना तंग कर रहा है, बद्दू की नौकरी बोल रहा है हमको इसने। हमारा जीना हराम कर रखा, पढ़ाई लिखाई कुछ करवाता नहीं, हमेशा दू 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 बंदूक चलाता रहता है। हाँ इसलिए नकली है। अरे ये गन तो नकली है। नकली गन है? अरे फिर कैसे डरेगा ये? इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दीदी, समझो बात को। अबे तुम लोग मुझ पे भरोसा रखो क्या? रुको दिखाती हूँ, इससे आएगी नकली आवाज। अरे सर गोली क्यों चला रहे हो? अरे मैंने नहीं चलाई सर, बच गया, मेरी छाती के यहाँ से निकल के गई है। अरे वाह मतलब नकली गन में असली का स्वाद। अरे वाह मुझे कर दी दीदी आपने तो। इसको बोलो ना कुछ भाई, ये गोली कौन चला रहा है? अबे ओ मिंटू बदमाश। अरे पिंकी बदमाश तू? तमीज से। अरे पिंकी बदमाश आप? मैं। आप यहाँ कैसे आ गए पिंकी बदमाश? आप कैसे दर्शन दे दिए? मेरे को बुला लेते मैं आ जाता। तमीज से बात कर बेटे, पिंकी डॉन है बदमाश छोरी। अबे ओ सुनने में आई है कि तू बच्चों को डरा डरा के पढ़ा रहा है? बहुत डराता है, थोड़ा बहुत ही बहुत। ओ अपनी बंदूक की नोक पे रखता है। एक बात सुन ले, ये दोनों ना मेरे भांजे हैं और मेरे को जान से भी प्यारे हैं, तो इनका ध्यान रखियो। जेब तेरी कंप्लेंट आगी ना, तेरा तो ऐसा काम बांध दूंगी मम्मी मम्मी कहता हांडेगा। बच्चो जितना इसने आज तक तुम्हें परेशान करा है ना, सारी परेशानी इसको दे दो अब। चलो। क्या मतलब? मतलब दो दो चलो। मेरा तो जिंदगी बर्बाद हो गया, अब पैसा कहाँ से कमाएंगे? थक गया यार मैं, नहीं ढूंढ सकता अब ट्यूशन। अरे भाई ढूंढना तो पड़ेगा ना, हमारे पास सिर्फ 30 दिन पड़े हैं, 30 दिन बाद हमारे एग्जाम चालू हो जाएंगे। कुछ भी नहीं पढ़ा भाई, पूरा का पूरा सिलेबस पेंडिंग पड़ा हुआ है अभी भी। हाँ यार कुछ भी नहीं आता, मुझे तो ऐसा लगता है हम फेल हो जाएंगे। अबे भाई मैं तो चिट्टी रोबोट की तरह करके स्कैन कर लूंगा पूरी किताब। पता कितनी महंगी टेक्नोलॉजी है वो, खरीद नहीं पाएगा तू? देख लूंगा यार क्या करें। सोचो यार सोचो, पूरा साल निकल गया, हमारे टीचर तो हमें कुछ पढ़ा नहीं पाया, अभी ट्यूशन वाला 30 दिन में ऐसे क्या जादू करेगा जो हमें समझ में आ जाएगा? अरे भाई ऐसा कोई टीचर पैदा ही नहीं हुआ जो 30 दिन में कोर्स करा दे। टीचर अबे ट्यूशन ढूंढ रहे हैं ना हम,
ट्यूशन में पढ़ाएगा कौन? टीचर। तो फिर अरे चुप कर रहे यार तुम, दिमाग खराब कर रखा है। दिमाग तो भाई सबका खराब हो रखा है ट्यूशन ढूंढते ढूंढते, और इसका तो घुटनों में है। आओ दोस्तों आओ, 25 दिन में एक साल का कोर्स करें, पूरे एक साल का कोर्स करें मात्र 25,000 में। आओ दोस्तों आओ आओ आओ। ए वो देखियो किधर, क्या बोल रही? आओ दोस्तों 25 दिन में पूरे साल का कोर्स करें। 25 दिन में कोर्स कम्प्लीट? चलना चल के देखते हैं भाई, फेंक ना हो कहीं, चल के देख लेते हैं। हाँ ये भी है, चले। 25 दिन में पूरे साल का कोर्स करें, पूरे साल का कोर्स करें। अरे भैया कौन सा कोर्स करवा रहे हो आप? अरे बेटा, अरे मेरे भाई, अरे मेरे बंधु, मैं स्कूल का क्रैक कोर्स के बारे में बतला रहा हूँ। क्रैक कोर्स मतलब क्या? अंडा क्रैक कर डालते हो उसके अंदर कोर्स में? अरे मेरे भाई, अरे मेरे बंधु, देखो तुम्हारे पूरा साल का कोर्स है ना, मैं सिर्फ 25 दिन में पूरा करवा दूंगा, वो भी मात्र 25,000 में। पूरे साल का कोर्स 25 दिन में? हाँ मतलब हमारे एग्जाम 30 दिन में आने वाले हैं और आप कोर्स करा दोगे 25 दिन में? अरे भाई सुनने में तो बड़ा मस्त लग रहा है। हाँ मस्त लग रहा है, मस्त। 25,000 बहुत ज्यादा है यार। वाह भैया बहुत ज्यादा है, थोड़े कम कर लो ना। अरे बच्चों पैसा क्या हाथ का मैल है, देखो अगर तुम फेल भी हो गए ना तो तुम्हारे 25,000 के डबल करके दूंगा। मतलब एक का डबल मतलब 25 का 50,000। वाह भाई पैसा ही पैसा। पूरी बिल्डिंग है ना ये हमने खड़ी कर रखी है, देखो फर्स्ट फ्लोर पे 8वीं क्लास है, सेकंड फ्लोर पे 10वीं है, उस पर 11वीं है, उससे ऊपर ऊपर पप्पा कर रहा है। ये हमें ऊपर क्यों भेजने की बात कर रहे हैं? पता नहीं। और आपका इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ट्यूशन कहाँ है आपका? हमारी ट्यूशन क्लास है ये रही। क्या गंदे गंदे शरिया कर रहे हो आप हैं? अबे हमारा इंस्टीट्यूट पार्किंग में है। पार्किंग में है? पर्सनल चैम्बर? अरे पर्सनल चैम्बर मिला हुआ है हमका। चैम्बर? अरे वो तो हैरी पॉटर की मूवी थी ना, हैरी पॉटर द सीक्रेट ऑफ चैम्बर। सीक्रेट है क्या आपके चैम्बर में? अबे वो चैम्बर नहीं है यार, कोई और चैम्बर है। वैसे सर आपके यहाँ टीचर्स कितने हैं, पास तो करा देंगे ना हमको? टीचर बहुत हैं, मतलब एक है। एक कौन है वो? मतलब मैं। चलो भैया हम कल आते हैं और आपके कोर्स को आरंभ करते हैं। हाँ अभी कोर्स करेंगे, मजा आएगा ये वाला कोर्स करके। हैं भाई जल्दी जल्दी पेपर में पास होके दिखाएंगे 90% के साथ। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि 30 दिन में कोर्स कंप्लीट कैसे करा देगा, मतलब 25 दिन में भाई 25 दिन में। अरे पागलो ये सोचो अगर फेल भी हो गए ना तो भी नुकसान ही 50,000 आएंगे। हाँ यही तो हमारा प्लान है। देखो मेरे दिमाग में प्लान आया, हम क्या करेंगे ना, ये हमें समझाएगा ना, हम समझेंगे नहीं जानबूझ के, हम कहेंगे हमें समझ ही नहीं आया। 25 दिन तक हम यही करते रहेंगे ताकि एंड में जब 25 दिन कंप्लीट होंगे ना हम वही ला दे हमारे। तो बच्चों तुम्हारे 25 दिन के कोर्स की क्लास स्टार्ट होने वाली है, और हाँ सबने फीस जमा करवा दी है ना? अरे हाँ हाँ सर, हम सबने अपनी फीस सबमिट कर दी है, आपके पेटीएम अकाउंट पे आ गई होगी ना? हाँ आ गए थे, आ गए। शाबाश बहुत अच्छे बच्चे हो। हाँ सर आप पक्का ये कोर्स कंप्लीट तो करवा दोगे ना? अरे डोंट वरी, मैं हूँ ना और मेरी पार्किंग है, और इतना बड़ा चैम्बर मैंने क्यों ले रखा है? हाँ सर आपका चैम्बर ये तो बहुत बड़ा है, देखने में इतना बड़ा लग रहा है, पढ़ाई भी अच्छी होती होगी। हाँ सर इस हिसाब से तो आप हमारा कोर्स कंप्लीट करवा ही दोगे। अरे टेंशन मत लो, चलो पढ़ते हैं बच्चों। हाँ चलो आज तो 26वां दिन है, हमें पैसे मिलेंगे कितने? डबल। हाँ कितने? 50,000। अबे ये क्या हो गया इसको? अबे रातों रात ऑफिस कैसे गायब हो गया? लकड़ियाँ लगी थी मुंह में। अबे लकड़ियाँ छोड़ दो, ईंटें पड़ी है साली। यार मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे 25,000 रुपए चले गए, मम्मी लाल से मार देगी। ये मेरे भी 25 गए हैं, तेरे अकेले के लिए ऑफिस में चले गए। ओए ये वहीं पे था ना, ये वहीं पे था ना। ओए तू यहीं पे था ना, तू भी ट्यूशन पढ़ रहा था ना, मेरे 25,000 निकाल, 25,000 चाहिए मेरे को।
अबे मैं भी यहाँ पे पढ़ने आया था, 25 दिन की सुविधा ने दुविधा कर दी यार। ए, तू भी वही थी ना? मैंने नहीं लिए। ए भाई तू भी वही था ना, प्लीज मेरे 25,000 दे दे, मैंने बहुत मेहनत से कमाए थे, प्लीज बहुत मेहनत से इकट्ठे करे थे, प्लीज भाई प्लीज 25,000 दे दे मेरे। अरे मैं भी तो वही ट्यूशन पढ़ रहा था यार, मेरे खुद अपने डबल पैसे लेना है, मेरे पे खाना खाने के पैसे नहीं है मेरे पास। तू किधर भाग रहे साले? मेरे 25,000 रुपए दे, मेरे 25,000 दे। अरे तेरे 25,000 कौन से? मेरे भी तो गए 25,000 यार। कितना झूठ बोल रहे, 25 दिन में इतने बड़े बड़े बाल कर दिए, वहाँ पे खड़ा था जब तो तेरे बाल नहीं थे। अबे मैं भी यही पढ़ रहा था, मेरे को नहीं पता वो कहाँ गए 25,000, मेरे भी मेरे भी डूब गए। 25,000 बचा गए, अबे 25,000 बचा गए, 25,000 कहाँ चले गए मेरे 25,000? बस 25,000 बच गए होते हमारे। अरे भाई क्या करें, चक्कर आ रहे हैं। चक्कर छोड़। क्या हुआ? अबे 5 दिन मारे मारे बोर्ड के एग्जाम है। यार मैं तो फेल हो जाऊंगा। पैसे भी गए, फेल ऊपर से हो जाएंगे यार। और मैं जा रहा हूँ पढ़ने। मर गया उधार पैसे लेके और तुम दोनों को मेरे पे बोझ बना के छोड़ गया। एक बात कान खोल के सुन ले, इस बार का क्वेश्चन पेपर मैंने सेट किया है, तुम दोनों से तो एक क्वेश्चन नहीं होने का, फिर सड़ना यहीं पे। और हाँ, सड़ोगे तुम मेरे इस ट्यूशन सेंटर में जिंदगी भर के लिए, लगाना झाड़ू पोछा यहां पे। जाओ अपनी सीट पे जाके बैठो। सभी के काम पूरे हैं? हाँ सर सर। ओए, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? किताबें खोलो अपनी। यार सर ने कितना गलत किया ना इन दोनों के साथ। हाँ यार बहुत बुरा करा। यार ऐसे कौन करता है? हाँ यार बहुत गलत करा यार, हमें तो कुछ करना चाहिए इनके लिए। यार हम क्या कर सकते हैं, पता भी तो नहीं है ना। हाँ यार हमारे दोस्त हैं, पर हम कर क्या सकते हैं यार, चोरी भी तो नहीं कर सकते इनके लिए। चलो इस बारे में थोड़ी देर बात करते हैं। निकालो चैप्टर 2। डिग्रू तुमने इतनी रात को क्यों बुलाया, जल्दी बता। अरे भाई इम्पोर्टेंट काम है। क्या काम है? अरे वो याद है तुम्हें, मिलन और उसकी बहन, सर कैसे मार रहे थे उसको। हाँ। तो यार उनके लिए कुछ करना चाहिए मैंने कहा था, तो मैंने डिसाइड कर लिया हमें क्या करना है। क्या? आज हम सर के इंस्टीट्यूट में जाएंगे चौकी घेरा, और जो सर ने क्वेश्चन पेपर बनाया ना वो चुरा के मिलन को दे देंगे। हाँ, मस्त आइडिया है। नहीं, नहीं नहीं नहीं, सर को पता चल गया ना बहुत मारेंगे। अरे भाई जब तो रात का प्लान है। हाँ, और पागल तूने देखा नहीं था कैसे सुना रहे थे, बदला लेने का यही मौका है। चुप्पी से जाएंगे, क्वेश्चन पेपर लेंगे और मिलन को दे देंगे ताकि वो एग्जाम में पास हो जाए। हाँ, हाँ, हाँ। सही है ना? चलो चलो चलो। ये तो वेव लेंथ है राहुल। दो फाइल्स हैं, पर इनमें से असली कौन सी नकली कौन सी है? अरे खोल के देखना। हाँ खोला नहीं है, हमने कसम खाई थी अगर पेपर में से कोई चीटिंग करेगा तो उसे मिलन होगा। तो अक्कड़ मक्कड़ बम्बे वो 80 नब्बे पूरे 100। हाँ सो मिलन मिलन। अरे हाँ डिग्रो क्या हुआ? मिलन ये ले क्वेश्चन पेपर जो सर ने सेट किया था तेरे को फेल करने के लिए। बड़ी मुश्किल से चोरी करके लाया भाई। हाँ सिर्फ तेरे लिए। और अब सर ना तेरे को कुछ भी नहीं कहेंगे, ना तेरे को मारेंगे। हाँ और ना तेरी बहन को। हाँ अब तुम दोनों पास भी हो जाओगे। क्या दोस्तों, भगवान ने मुझे कितने अजीब दोस्त दिए। पहले सर उठा के जीना सिखाते हैं
और फिर सर झुकवाने के काम करवाते हैं। अरे क्या सोच रहे हैं? नहीं यार, पास होंगे तो अपने दम पे, वरना फेल ही सही। सर यही है वो तीनों जिन्होंने मेरे घर में घुस के क्वेश्चन पेपर चुराया। सर चोर है चोर, पकड़ लो इन तीनों को। और ये रहा इनके हाथ में वो क्वेश्चन पेपर जो इन्होंने मेरे घर में से चोरी किया और चोरी करके इन दोनों को दिया। नहीं नहीं सर, हमने कोई चोरी नहीं करी। हाँ सर, हमने कोई चोरी नहीं करी। इतनी छोटी सी उम्र में तुम चोरी करने लग गए, तुम्हें तो ना अभी सलाखों के पीछे डालता हूँ। चल बे, तुझे तो जेल में बताऊंगा। अरे सर को, हमारे पास कुछ है आपको दिखाने के लिए। क्या राहुल, दिखा। देखा सर? अब सर आप ही देखो कौन सही है और कौन गलत। अरे सर आप यहाँ क्यों आ गए, पकड़ लो ना। सलाखों के पीछे बेटा, अब तू जाएगा, वो नहीं। मैंने क्या किया? मैं क्यों जाऊंगा सलाखों के पीछे? चोर तो ये तीनों है ना। सेक्शन 17(1) के तहत तुझे सलाखों के पीछे डालूंगा। तू बच्चों को मारता है और उनके साथ वायलेंस करता है। सर आपके पास कोई प्रूफ है इस चीज का कि मैं इन बच्चों के ऊपर अत्याचार करता हूँ? प्रूफ ना इन बच्चों ने मुझे दिखा दिया। इनके पास वीडियो है जिसके अंदर तुम उन बच्चों को मार रहे हो। और हाँ सर, दीदी तुम बोलना। हाँ सर, हमने ना असली सीट नहीं चुराई थी, ये नकली सीट चुराई थी जिसमें कुछ लिखा हुआ भी नहीं है। इन बच्चों की ईमानदारी देख रहे हो? इन बच्चों ने ना क्वेश्चन पेपर अगर चुरा भी लिए तो भी इन्होंने देखा नहीं। चल तू, तेरे को तो मैं बताता हूँ जेल में। सर मेरी बात सुनो, ये सारी सफाई ना जेल में जाके दियो। सर मेरी बात, सर मेरी बात। जान बची तो लाखों पाए। और मिलन, तू मिलन भाई, तूने तो हमारा दिल जीत लिया।